छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 10 गारंटी घोषित की है। केजरीवाल की गारंटियों में शिक्षा, रोजगार, मुफ्त बिजली, महिलाओं और बेरोजगारों को मासिक राशि, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की गारंटी शामिल है। जिसमें सबसे पहले रोजगार गारंटी की बात करें तो हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोजगार सरकारी नौकरियों में भर्ती किए जाएंगे। नौकरियों में भर्ती में सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शिता लाई जाएगी। आम जनता को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। बात करें बिजली गारंटी की, जिसमें दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी गाँव और शहरों में बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सारे पुराने बकाया घरेलू बिल माफ किए जाएंगे। बात करें महिलाओं के लिए गारंटी, तो उसमें 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। शिक्षा गारंटी में छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट स्कूलों में नाजायज फीस नहीं बढ़ने देंगे। सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। शिक्षकों को सभी खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और भी कोई अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य गारंटी में दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली की तरह सभी दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त किए जाएंगे। दिल्ली की तरह हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा और नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे। सभी रोड एक्सीडेंट के मरीजों को पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसमें अगली तरफ आए तो तीर्थ यात्रा गारंटी है, जिसमें दिल्ली की तरह सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के किसी भी पवित्र स्थान की मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। वहां आना जाना, रहना खाना सब मुफ्त होगा। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की भी गारंटी यहां पर आम आदमी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दी है। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की तरह एक फोन नंबर जारी करेंगे, उस पर कॉल कर काम बताने पर सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर काम करके जाएगा। किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी। सही सम्मान राशि की गारंटी भी यहाँ पे दी गई है, जिसमें भारतीय सेना और छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान अगर सेवा के दौरान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसमें अगली बात करें तो कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, सभी विभागों को संविदा प्लेसमेंट ठेका व नियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। संविदा व ठेका प्रथा यहां पर बंद की जाएगी। 10वीं गारंटी अगली बार देने का वादा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10वीं गारंटी आदिवासी और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गारंटी होगी, जिसे अगली बार वो देंगे। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मैदान में अब अरविंद केजरीवाल भी उतर गए हैं, जहां पर कांग्रेस फिर दोबारा अपनी सत्ता बनाना चाहती है और फिर दोबारा भूपेश बघेल वहां पे शासन करने को तैयार हैं, लगातार हुंकार भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वाले टेक्निक्स ही खेल दी हैं और पूरी तरीके से गेम पलटने की कोशिश की जा रही है। और अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ किसको चुनती है।